शिवसेना के सांसद संजय राउत के बाद अब उनकी पत्नी वर्षा भी मुसीबत में घिरती दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज वर्षा को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह मामला पात्रा चोल घोटाले का है। ईडी का आरोप है कि संजय और वर्षा ने इस घोटाले के जरिए काफी रकम जमा की है और उसमें प्रॉपर्टी खरीदी। ईडी ने पहले ही संजय राउत को गिरफ्तार किया हुआ है। अगर वर्षा ईडी के सवालों के जवाब न दे सकी तो उन पर कार्रवाई होने का पूरा आसार है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसर आज संजय राउत और वर्षा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे। वो देखेंगे कि संजय राउत ने जो जवाब दिए हैं उनसे वर्षा के जवाब कितना मेल खाते हैं, साथ ही क्या वर्षा कोई और ऐसी जानकारी भी देती है जो इस जांच में आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत के तौर पर काम आ सके। बता दें कि मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित पात्रा चोल के विकास में वित्तीय अनियमितता हुई। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप संजय राउत पर लगा है। वो 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिए गए हैं। ईडी अब वर्षा के अलावा अन्य आरोपियों को भी संजय राउत के सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। इससे पहले वर्षा से ईडी ने कई बार पूछताछ की थी। इस मामले में वर्षा राउत का नाम इस वजह से सामने आया है कि उनके नाम कई प्रॉपर्टी खरीदी गई। वर्षा और स्वप्ना पाटकर के नाम 10 प्लॉट अलीबाग में खरीदे गए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय राउत और उनके परिवार को पात्रा चोल घोटाले से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है। वहीं इस साल अप्रैल में ईडी ने संजय राउत के करीब परवीन राउत को गिरफ्तार करते हुए उनकी 9 करोड़ की संपत्ति जब्त की। तभी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई थी। ईडी को उस वक्त पता चला था कि अलीबाग में परवीन राउत के पास 8 प्लॉट और वर्षा के नाम 1 फ्लैट है। हालांकि संजय राउत ने लगातार कहा कि उनके और वर्षा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई गलत है और सियासत की वजह से उनको फंसाया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।